वाराणसी बीजेपी कार्यकर्ता सहित प्रधानमंत्री मोदी वार्तालाप आगक अनुषित होगा यूपी विधानसभा निर्वाचन पूर्व बीजेपी कर्मकर्ता सहित नमो आप्रे आज कथा मोदी वाराणसी लोकसभा आसन हो मोदी निज लोकसभा आसन से लोकसभा आसन अधीन आसुवा विधानसभा आसन कार्यकर्ता सहित कथा राज्य में किपरी विकास गति आहरी द्रुत हो पार से बाबद आश्वस्ति विकास में बीजेपी प्रतिबद्ध बोली प्रतिश्रुति दलर कर्मकर्ता भरोसा बाणी शुणाई मोदी वार्तालाप समय नुआ भाव में विकसित होता काशी विश्वनाथ करिडर महिला सशक्तिकरण भित्तिभूमि निर्माण स्वास्थ्य सेवा कृषि इत्यादि मुख्य प्रसंग रही जमापड़ सरकार कृषि और कृषक मानी कल्याणमूलक पदक्षेप सब् किपर कृषकों पाखे पहुंची पार बीजेपी कर्मकर्ता गुरुत्व देवा परामर्श देखे मोदी कृषक मैंने किपर रासायनिक सार बदल जैविक सार अधिकर अधिक व्यवहार करेंगे से नहीं सचेतनता सृष्टि करने को जोर देते मोदी सहित वार्तालाप दस हजार अधिक कार्यकर्ता भाग नहीं जमापड़ सर मैं मनोज कुमार पटेल बूथ अध्यक्ष कर्दमेश्वर मंडल रोनिया विधानसभा अच्छा कब से हैं बूथ अध्यक्ष सर हम तो पिछले 2017 से ही हैं अच्छा मनोज जी इस समय तो हर जगह हर ठिहा पे चुनाव की बात हो रही होगी हाँ सर इस सबके बीच हमें ये याद रखना है कि गरीब वंचित शोषित के लिए जो भी लाभ हैं वो उन्हें मिलते रहे जी सर उम्मीद है आप लोग अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों के सूत जरूर ले रहे होंगे जी सर सर हम लोग तो अपने यहाँ गांव वगैरह में 10-15 दिन पे और हफ्तों भर में 10-15 की टोली बना के गरीब परिवारों में जाते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं और लोग यही बताते हैं कि नहीं हम लोग को इस कोरोना काल में जो राशन वगैरह मिल रहा है उससे हमारे और परिवार का इतना अच्छा सब चल रहा है कि जिसकी वो कल्पना आज से पहले कभी नहीं किए थे जितना लोगों को राशन वगैरह मिल जा रहे हैं सर वो इतना आभार व्यक्त करते हैं कि अब क्या कहा जाए सर उनका हालचाल भी तो जब आप इतने 10-12 लोग हर जगह पे जाते हैं तो किसानों के बीच में भी जाते होंगे जी सर बताइए सर यहाँ पर बनारस में और पूर्वांचल में जो यहाँ पे किसानों को आपके प्रयासों से सब्जी फल फूल की आदि की जो खेती का बढ़ावा मिला है और सर राजा तला क्षेत्र में बने पेरिशेबल कार्बोनेट सेंटर फल फूल ऐसी उपज को स्टोरेज करके किसानों को आसानी हुई है मनोज जी मैं आपको और भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आप सभी इस महामारी में भी इस सेवा भाव से काम कर रहे हैं सर हमारी सरकार ने किसानों के लिए बीज से बाजार तक की व्यवस्था बनाई है जी सर किसान रेल चलाना नई डेयरी खोलना जी सर पशुओं का टीकाकरण अभियान जैसे अनेक काम किए हैं पूरे देश में कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जी उस दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है जी उसी जी, प्रकार से आप सभी भाजपा कार्यकर्ता जी किसानों को इन सारे अवसरों के बारे में लगातार जागृत करते रहना चाहिए